हाय फ्रेंड, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ केमिस्ट्री के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर से मैंने लिए हुए हैं। और ये आपके जितने भी एग्जाम्स हैं एमपी के जो एंट्रेंस टेस्ट हैं, यानी कि प्रवेश परीक्षा जो मध्य प्रदेश में कंडक्ट की जाती है हर साल कॉलेज में एडमिशन्स के लिए, इसमें जैसे आपका दहेत एग्ज़ाम हुआ, पीवी एंड एफटी का एग्ज़ाम हुआ, पैट यानी कि प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के जो डिफरेंट फील्ड में जो एडमिशन्स होते हैं इनके लिए जो एंट्रेंस टेस्ट है, और जो अदर जो कॉलेज एडमिशन टेस्ट हैं जैसे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, उसमें जो स्टूडेंट है जो बीएससी वगैरह में एडमिशन लेने वाले हैं, है ना, तो उसमें जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वगैरह, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो नर्सिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जो पीएनएसटी एंड जीएनटीएसटी यानी कि जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट और प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, इन सब में एंट्रेंस टेस्ट वगैरह देना चाहती हैं, तो सभी के लिए ये वीडियो है। जिनका भी सब्जेक्ट जिनके भी जो एग्ज़ाम पेपर में जो सब्जेक्ट है, वो उनमें से एक सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट आने वाले हैं उनमें एक सब्जेक्ट अगर केमिस्ट्री है, तो ये वीडियो आपके लिए। तो आप लोग पूरी वीडियो में अंत तक बने रहे, मैं सारे आपको बताऊंगी कि टॉपिक क्या क्या है, किस टाइप से पेपर आता है, और पेपर का जो पैटर्न रहता है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के बेस पे ही नेक्स्ट ईयर का बनाया जाता है। तो आप पूरी वीडियो को एंड तक देखें, और पूरे जितने भी न्यूमेरिकल वगैरह भी इसमें पढ़ेंगे वो भी मैं बताऊंगी, और जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं थ्योरी भी बताऊंगी, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी कि ये कैसे आया है और कैसे आपको सॉल्व करना है, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में आप खुद से इस टाइप से सॉल्व कर सके क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बिटवीन द हेक्सा मिथिलीन डाईएमीन एंड एडिपिक एसिड रिप्रेजेंट ब्लैंक रिस्पेक्टिवली, मतलब संघनन में हेक्सा मिथिलीन डाईएमीन एवं एडिपिक अम्ल इन दोनों के मध्य बहुलकन क्रमशः ब्लैंक को प्रदर्शित करता है। तो इन दोनों के मध्य जो बहुलकन होता है यानी कि हेक्सा मिथिलीन डाईएमीन एवं एडिपिक अम्ल के बीच, तो आपको क्या करना है, हेक्सा मिथिलीन डाईएमीन का फॉर्मूला लिखना है और एडिपिक एसिड का लिखना है, उन दोनों के बीच रिएक्शन करनी है। तो जो दो बहुलकन क्रमशः प्राप्त होंगे वो होगा न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये दोनों आपके हो जाएंगे, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि न्यूक्लियोफाइल नाभिक रागी एंड इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन रागी, ठीक है। इस टाइप से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन आपका आता है कि जो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली हाई स्पिन बिकॉज, जो चतुष्फल के सम्मिश्रण हैं, तो चतुष्फल के सम्मिश्रण में सामान्यतः उच्च प्रचक्रण होते हैं, क्योंकि तो इसमें उच्च प्रचक्रण होते हैं क्यों, तो जो टेट्राहाइड्रल होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं अप टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल रादर देन पेयर, ठीक है। पेयर की अपेक्षा वो क्या करते हैं, हायर एनर्जी से मूव करते हैं, इसलिए जो इनमें मोस्ट जो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें क्या होता है, जो हाई स्पिन होता है, ठीक है, इसलिए उनमें होता है। तो ये इनकी जो हाई स्पिन के कारण क्या होता है, जो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो उनकी जो एनर्जी है वो क्या होती है, लेस देन होती है, किससे, पेयरिंग एनर्जी के, पेयरिंग एनर्जी से, मतलब कि डेल टी, डेल सफिक्स टी क्या हो गया हमारा यहाँ पे टेट्राहाइड्रल एनर्जी, ठीक है, या कैपिटल टी, एक सेकेंड, यहाँ पे आप यहाँ पे कैपिटल टी लिख लें, है ना, तो ये हो जाएगा टेट्राहाइड्रल एनर्जी, और जो यहाँ पे पी डिनोट है इन सब में आप देखेंगे ऑप्शंस में, तो पी हो गया यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी। तो क्या होता है कि जो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हाई स्पिन होते हैं, क्योंकि उनमें जो टेट्राहाइड्रल एनर्जी है वो कैसी होती है, लेस होती है, किससे, पेयरिंग एनर्जी से। तो इसका जो आंसर होगा वो डेल सफिक्स टी शुड बी, मतलब डेल सफिक्स टी इज लेस देन पी, तो ये आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका इससे मैच करता है, ठीक है। तो इसलिए इसके जो टेट्राहाइड्रल हैं वो हाई स्पिन होते हैं, क्योंकि जो पेयरिंग, जो इसकी मतलब टेट्राहाइड्रल एनर्जी है वो पेयरिंग एनर्जी से कम होती है, ओके। तो ये आंसर हो जाएगा। अब जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, उसमें ये है कि द हाफ लाइफ पीरियड फॉर कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ए बी सफिक्स थ्री एट 50 मोल पर लीटर इज फाउंड टू बी 4 आवर एंड एट 100 मोल पर लीटर इट इज़ 2 आवर, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसमें आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बतानी है, ठीक है। तो 50 मोल पर लीटर पर ए बी सफिक्स थ्री के उत्प्रेरक अपघटन के लिए अर्ध आयु 4 घंटे पाई गई है, और 100 मोल पर लीटर पर यह 2 घंटे है, अभिक्रिया का क्रम क्या होगा। तो आपको पता है कि जो हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है टी 1/2 इक्वल 1/C सफिक्स 0, यहाँ लिख सकते हैं, मतलब सी एक सिंबल की पावर n-1, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, फॉर्मूला इसका। अरे यहाँ पे थोड़ा सा रेज करके मैं बता देती हूँ, ठीक है, यहाँ जो इसका फॉर्मूला होगा वो n-1 हो जाएगा, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास 4 आवर हैं, यहाँ टी क्या हो गया हमारे पास टाइम, तो हाफ लाइफ पीरियड का टाइम, एक हमारे पास है 4 आवर और एक 2 आवर है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 50 ml 4 आवर के लिए, 100 ml
ये है 100 ml है कॉन्सेंट्रेशन 2 आवर के लिए। तो सी सफिक्स 0 हमारे यहाँ पे क्या है, ये है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो अब हमें सिंपली क्या करना है, इसी फॉर्मूला पे आपको जो पहले रखना है आपको 4 आवर के लिए और फिर 2 आवर के लिए रखना है। ठीक है, तो जो टी हाफ लाइफ पीरियड थी वो 4 के लिए रखेंगे तो 4 हो जाएगी, और 2 के लिए टी हाफ लाइफ पीरियड 2 आवर के लिए 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। और फिर यहाँ पे आया था कि इसकी वैल्यू है टी अपॉन में क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू। तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 50 ml 4 के लिए, तो 50 नीचे आ जाएगा, है ना। और इसकी पावर क्या हो जाएगी, n माइनस 1। ऐसे ही जो 2 है इसके लिए भी 1 अपॉन करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इसके लिए जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 100 था और इसकी पावर n माइनस 1 थी। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, जब इतना हो जाएगा तो फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो टर्म है यहाँ से हम यहाँ n माइनस 1 इसे इरेज करके यहाँ पे जो n माइनस 1 है वो टोटल में लिख सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर नीचे जब सेम पावर हो तो एक बार अपन पावर चढ़ा सकते हैं और ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो अब यहाँ से ये कटेगा तो 50 से 100 कटेगा, तो 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ 2 जब 4 हो जाएगा तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ बचेगा 2 इक्वल यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो अभी मैं इतना इरेज कर देती हूँ। अब यहाँ पे फिर से लिखती हूँ 2 इक्वल 2 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ 2 की पावर 1 है, जब किसी की पावर कुछ भी ना हो तो वो 1 डिनोट करते हैं उसे। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे इक्वल करना है तो मैं n की वैल्यू, n क्या है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है कि नंबर ऑफ ऑर्डर। तो n, अगर मैं सबसे पहले n इक्वल 0 रखती हूँ तो n इक्वल 0 रखूँगी तो 2 की पावर माइनस 1 आ जाएगा, तो ये इक्वल नहीं होगा बोथ साइड। फिर n की जगह पे 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 0, तो 2 की पावर 0 इक्वल 1 हो जाएगा, तो ये भी राइट नहीं होगा। 2 की पावर अगर n की जगह पे मैं 2 रखूँ तो 2 माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा, 1। तो 2 की पावर 1 इक्वल 2 की पावर 1। तो यहाँ पे n इक्वल मेरा क्या आया, 2 आया। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। n क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आपका ये 2 आ जाएगा। ठीक, अब जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट पोटेशियम मैग्नीशियम रोबिडियम एंड सोडियम इज ब्लैंक। तो पोटेशियम मैग्नीशियम रोबिडियम एंड सोडियम तत्वों के परमाणु त्रिज्या का बढ़ता क्रम है। तो आपको पता है ना कि जो देखिए इसमें जो एलिमेंट दिए हुए हैं ये आपके फर्स्ट और सेकंड कॉलम के हैं पीरियोडिक टेबल से। तो आप पहले अगर पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट और सेकंड कॉलम के वो लिखें तो पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोजन, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है लिथियम, फिर सोडियम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर यहाँ हमारा रुबिडियम तक ही है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सीजियम, फिर फ्रांसियम, इसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट हो गए। फिर सेकंड ब्लॉक के अगर एलिमेंट देखें तो लिथियम पे सामने शुरू होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाता है बेरिलियम, फिर ये आ जाता है मैग्नीशियम, फिर पोटेशियम के सामने आ जाता है कैल्शियम, रुबिडियम के बाद यहाँ पे आ जाता है स्ट्रॉन्टियम, फिर ये आ जाता है बेरियम, और यहाँ पे आ जाता है रेडियम। ठीक है, इस टाइप से ये एलिमेंट हो जाते हैं फर्स्ट कॉलम के और सेकंड कॉलम के। अब आपको पता है कि जब पीरियोडिक टेबल में अगर आपको एटॉमिक रेडियाई निकालनी है तो जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जो एटॉमिक जो एलिमेंट्स हैं उनकी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जब आप यहाँ पे अप से डाउन जाएंगे तो जो इनकी एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से ये रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, अपने एलिमेंट देखने हैं। तो के सबसे पहले पोटेशियम ये रहा, मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले पोटेशियम ले लेते हैं अपन। ठीक है, पोटेशियम के बाद मैग्नीशियम देखते हैं ये है, फिर उसके बाद देखते हैं रुबिडियम यहाँ पे, है ना, फिर उसके बाद आता है सोडियम, तो ये ऊपर है। अब हम देखेंगे हमें क्या करना है, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे लिखना है। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम देखेंगे यहाँ पे कि कैसे हमारा आएगा। ठीक है, तो सबसे हम देखेंगे ऊपर से नीचे, अगर पहले देखें तो हम देखेंगे कि पहले हमारा क्या पड़ रहा है, सबसे लास्ट में जो आएगा वो सबसे बड़ा होगा। तो हमें क्या लिखना है, बढ़ते क्रम में, तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो पहले अगर ऊपर से नीचे देखें तो सबसे नीचे आ रहा है हमारा रुबिडियम। ठीक है, तो हम इसे लिख लेंगे, ये सबसे हमारा बड़ा हो गया। ठीक है, फिर उससे छोटा कौन होगा जो उसके पहले है, तो पोटेशियम। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखें उससे छोटा क्या होगा, तो उससे छोटा हमारा होगा क्या, यहाँ पे सोडियम। ठीक है, क्योंकि ये आ रहा है ना, तो सोडियम एन ए देख लेंगे।
ठीक है। अब एनए और एमजी तो इक्वल है, मतलब एक ही रो में है, तो हम इसे अगर देखें कि एक रो में, तो लेकिन इसमें आप देखें कि पहले सोडियम है फिर मैग्नीशियम, और जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मैंने क्या बताया था कि ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि कम होगी एटॉमिक रेडियस, तो इसकी ज़्यादा होगी, उसके बाद ये आया तो इसकी कम होगी, और जब ऊपर से नीचे जा रहे तो वो बढ़ती जाएगी, तो सबसे लास्ट में ये है, फिर ये पोटेशियम है, फिर उसके बाद एन ए देखेंगे तो एन ए आएगा, एन ए और एम जी में एन ए बड़ा होगा क्योंकि एम जी एन ए के बाद आ रहा है, तो इससे जो छोटा होगा तो एम जी होगा, तो मतलब कि एम जी सबसे छोटा हुआ, फिर उससे बड़ा सोडियम हुआ, फिर उससे बड़ा पोटेशियम हुआ, उससे बड़ा रुबिडियम। तो ये क्रम आप अपने इसमें देखें कि ये सबसे पहले कौन सा है, मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम और रुबिडियम, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन ये रहा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इस टाइप से आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये इस टाइप से करना था। अगर किसी को कोई भी सवाल में डाउट है या कोई किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से बता सकती हूँ उसमें, ठीक है। तो इस टाइप से ये रहेगा, और जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप की और भी वीडियो मिलती रहे आपको, और पूरे वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप डाउट क्लियर कर लेंगे एक बार तो आपको आ जाएंगे अच्छे से। अगर आपको रटना ही है तो फिर तो आप एग्ज़ाम की ये पेपर की पीडीएफ भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। ओके, चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। लिस्टेड बिलो आर सम एटम्स एंड आयन, पिक आउट द वन विच हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज। नीचे कुछ परमाणु और आयन सूचीबद्ध हैं, उनमें से किसी एक को चुनिए जिसका आकार सबसे छोटा है। तो इसमें जो सबसे छोटा आकार होगा वो किसका होगा इसमें, तो वो होगा लिथियम आयन का, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, लिथियम आयन, ठीक है। क्योंकि आपको क्या बताना है इसमें कि कुछ परमाणु और आयन सूचीबद्ध हैं, परमाणु और आयन दिए हुए हैं, तो उनमें से किसी एक को चुनिए जिसका आकार सबसे छोटा हो। तो जो आयन होते हैं उनका मोस्टली जो आकार होता है वो छोटा होता है, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, है ना, मतलब कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को खो देते हैं, लूज़ कर देते हैं, या फिर ठीक है, तो इस टाइप से उनके जो आयन्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि लिथियम, हीलियम और हाइड्रोजन, ये सारे क्या हैं, परमाणु हैं, या फिर क्या हैं, यहाँ पे एटम्स हैं। तो इनकी जो मतलब कि जो आकार होगा वो बड़ा ही होगा लिथियम आयन से, ठीक है। तो इसलिए इसमें ये ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। अब जो सिक्स नंबर आता है उसको देखते हैं। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन में आता है, आइडेंटिफाई द नेम एंड सिम्बल ऑफ द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ओके, सब ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आइडेंटिफाई द नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Rn5F14 6D10 7S2 7P5। तो इस टाइप से ये है, द एटॉमिक नंबर ऑफ Rn इक्वल 86। IUPAC नाम पद्धति के अनुसार उस तत्व का नाम और प्रतीक पहचानिए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है या परमाणु क्रमांक 86 है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, अन ये हो जाएगा, है ना, यू एस मतलब कि यूनन सेप्टियम, और जो उसका सिंबल हो जाएगा वो यू कैपिटल यू हो जाएगा और सफिक्स में यू एस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है कि ये जितना भी लिखा है, तो आर एन का 86 नंबर है, तो 86 के जब आप ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो इस टाइप से आपको ये पूरा जो चार्ट है यहाँ पे ये पूरा मिल जाएगा, है ना, आर एन का परमाणु क्रमांक 86। तो 86 के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप बनाएंगे तो वो आपको मिलेगा, फिर आप उसके हिसाब से देखेंगे कि ये हम कौन सा हमारा जो एलिमेंट है वो बन रहा है। तो आप इसमें देखेंगे तो आपका यूनियन हैक्सियम, सॉरी, ये आपका सेकंड नंबर ऑप्शन यूनन सेप्टियम यू सफिक्स यू एस ये एलिमेंट बन जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आपको करना था। आप सेवेंथ नंबर क्वेश्चन पर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन विद आयोडीन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, तो जो आयोडीन के साथ बेंजीन का सीधा हेलोजनन संभव नहीं है क्योंकि, तो ये क्यों संभव नहीं है, क्योंकि जो आयडोबेंजीन इज रिड्यूस टू बेंजीन, जो आयडोबेंजीन बेंजीन है वो बेंजीन में बदल जाती है, इसलिए जो डायरेक्ट हेलोजिनेशन है बेंजीन का आयोडीन के साथ वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब एट्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम देखें तो एट्थ नंबर क्वेश्चन है कि इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम व्हाट वुड बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज गिवन दैट दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। एक बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था का उसकी ऊर्जाओं के घटते क्रम में सही क्रम क्या होगा यदि दिया गया है कि वे निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं के सेट द्वारा दर्शाए जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका एट नंबर का वो आपका रहेगा,
यहाँ पे आ जाएगा थर्ड सबसे, मतलब कि थर्ड फिर आपका उससे लेस देन होगा, फर्स्ट फिर लेस देन होगा, सेकंड फिर लेस देन होगा, फोर्थ, ठीक है। तो इस टाइप से आपका अरेंजमेंट रहेगा इसमें। जो आपको है वो आपको क्या करना है, ये आपका यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑप्शन क्या आ रहा था यहाँ पे सेकंड, तो आपको इसमें क्या बताना है कि जैसे थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पर जो एन इक्वल है वो 3 है और जो एल इक्वल है वो 1 है, यहाँ पे एन एल एम और एस रहेगा, ठीक है। तो इसको जो आपको निकालना होता है वो ऐसे, मतलब कि इसका अरेंजमेंट अगर आप देखें तो यहाँ पे जैसे इन्होंने यहाँ पे बोला है कि एक बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था व उनकी ऊर्जाओं के घटते क्रम में सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो एन इक्वल, जैसे हमने यहाँ पे 3 रखा, तो एन इक्वल 3 पर आप रखेंगे एन इक्वल 3, तो जैसे एन इक्वल मैंने 3 रखा तो फिर एल हमारा क्या हो जाता है एन इक्वल 3 पर, एल क्या हो जाता है 0, 1 और 2 हो जाएगा, है ना, इस टाइप से रहेगा। फिर एम इक्वल क्या हो जाएगा, तो एम इक्वल जो होता है वो जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, मतलब कि यहाँ पे जो एम रहेगा इसके लिए, तो यहाँ पे एम की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 3 तो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, एम की वैल्यू क्योंकि माइनस से प्लस तक होती है, तो यहाँ पे एन इक्वल 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो -3 फिर -2 फिर -1 फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3, इस टाइप से हो जाएगा। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और एस की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे होती है +-1/2, है ना, तो इस टाइप से एस की वैल्यू। तो इस हिसाब से जब ये अरेंजमेंट करेंगे क्वांटम संख्याओं के सेट द्वारा, तो इसमें जो थर्ड है एन इक्वल 3 वो बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद जो छोटा होगा वो एन इक्वल 4 होगा। वो अरेंजमेंट जब आप देखेंगे इनके जो बनेंगे, है ना, सेट, तो उसमें एन इक्वल 3 ग्रेटर हो जाएगा जब आप रखेंगे एन की वैल्यू। तो उसमें जो यहाँ पे जैसे एल इक्वल फिर 1 आ रहा है, तो इस टाइप से जब अरेंज करेंगे तो जो सेकंड नंबर है वो आपका मतलब ऑप्शन आ जाएगा कि थर्ड बड़ा हो जाएगा, उससे छोटा फर्स्ट होगा, फिर उससे छोटा सेकंड होगा, फिर उससे छोटा फोर्थ होगा, तो इस टाइप से ये घटते क्रम में हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये अरेंजमेंट पूरा आपका रहेगा इसका। ओके, फिर आ जाता है 9 नंबर, तो 9 नंबर में देखेंगे द स्टेबलाइजेशन ऑफ द डिस्पर्स फेज इन आ लियोफोबिक कोलाइड इज ड्यू टू, एक द्रव विरागी कोलाइड में परिक्षेपित प्रावस्था का स्थिरीकरण खाली स्थान या ब्लैंक के कारण होता है। तो किसके कारण होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल लेयर बिटवीन द टू फेजेस, दो प्रावस्थाओं के मध्य विद्युतीय परत के निर्माण के कारण क्या होता है, द्रव विरागी कोलाइड में परिक्षेपित प्रावस्था का स्थितिकरण, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब 10th नंबर अगर देखें तो 10th नंबर में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड विथ 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सा लवण है जो क्रिस्टलीकरण के जल के 7 अणुओं के साथ एक स्तर यौगिक का निर्माण करता है, तो वो है आपका इसमें FeSO4, ठीक है। तो जो FeSO4 है ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है FeSO4 × 7H2O, ठीक है। ये क्या करता है कि जो स्टेबल कंपाउंड है वो बनाता है सॉल्ट के साथ, ठीक है। तो इसको जो हम ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या कर, मतलब कि और क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम ग्रीन विट्रियोल भी बोल सकते हैं, ठीक है, ग्रीन विट्रियोल, आपने नाम सुना होगा, ग्रीन विट्रियोल भी बोल सकते हैं, यहाँ पे एल भी लिख लेना, ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं इसे हम। और इसका जो कलर होता है FeSO4 × 7H2O का, वो होता है ब्लू, ब्लूज ग्रीन इन कलर, ठीक है, ब्लू और ग्रीन की तरह होता है, तो ब्लू ग्रीन इन कलर, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है FeSO4 × 7H2O, इसका नाम है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है। तो इस टाइप से इसका नाम हो जाएगा। तो इस जो स्टेबल कंपाउंड बनाएगा जल की 7 अणुओं के साथ स्थिर यौगिक का निर्माण करता है वो है FeSO4, ठीक। तो आपका 10th नंबर इस टाइप से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 11th नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें आता है कि वाई फ्लोराइड्स ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल आर लेस सोल्यूबल इन वाटर देन द करस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स, क्षारीय मृदा धातुओं के फ्लोराइड उनके संगत क्लोराइडों से जल में कम विलाय क्यों होते हैं, इसका कारण बताना है। तो इसका कारण आपका क्या है, इट इज़ ड्यू टू देयर हाई लैटिस एनर्जीज, ठीक है, यह उनकी उच्च चालक ऊर्जाओं के कारण है। ओके, तो इसका ऑप्शन जो है वो ये हो जाएगा। अब जो 12th नंबर क्वेश्चन है वो क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स प्रोड्यूसेस अ पिंक कलर इन एन एल्केलाइन सॉल्यूशन, एल्केलाइन सॉल्यूशन में पिंक कलर शो करता है, तो वो आपका कौन सा है,
फिनोप्तिलीन। फिनोप्तिलीन जो है वो क्या करता है, वो आपके जो एल्किलाइन सॉल्यूशन या क्षारीय घोल होता है उसमें गुलाबी रंग उत्पन्न करता है। ये इसके तीन इम्पोर्टेंट इफेक्ट थे जिनमें मतलब कि क्षारीय घोल में, अम्लीय घोल में, और ये मतलब कि क्षारीय घोल और अम्लीय घोल में कौन कौन से कलर, अलग अलग रंग ये प्रदर्शित करते हैं एल्किलाइन सॉल्यूशन या क्षारीय घोल में, ठीक है। तो जो फिनोप्तिलीन है वो गुलाबी रंग शो करेगा अगर उसको घोल कैसा बना है अपन क्षारीय घोल में, अगर फिनोप्तिलीन डाल जाए तो गुलाबी रंग शो करेगा, और फिर अम्लीय में डाला जाए तो कैसे, तो इस टाइप से अलग अलग रंग होते हैं। इसकी पूरी टेबल होती है वो भी मैं बता दूंगी, और भी दो तीन इसमें होते हैं, जैसे जो और भी जो आपके एलिमेंट्स हैं या जो कंपाउंड है तो उनके भी मैं बता दूंगी पूरी टेबल के थ्रू, तो वो भी आप याद कर लेना, शायद नेक्स्ट टाइम या इस बार आप जो आएगा उसमें वो क्वेश्चन का आंसर आ जाए, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 13 नंबर, वो क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 16, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आयन एक्स टू द पावर माइनस टू, ठीक है। तो ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है, ये इसमें क्या पूछ रहा है कि एक तत्व एक्स के एक परमाणु में प्रोटोनों की संख्या 16 है, इसके आयन एक्स की पावर माइनस टू में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो होगी 18, ठीक है, दो बढ़ जाएगी। तो वो कैसे हुआ, तो मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि जैसे हमें पता है कि जो नेट चार्ज होगा, ठीक है, यहाँ पे नेट चार्ज क्या होगा कि जब किसी की भी, जैसे व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आयन, तो हमें पता है कि जब किसी में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नेट चार्ज हो जाएगा, ठीक है। टोटल चार्ज जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो जो नेट चार्ज है वो हमारा कितना है, यहाँ पे एक्स की पावर माइनस टू है, तो माइनस टू जो है वो नेट चार्ज हो जाएगा इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास क्या है, प्रोटॉन ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कितने हैं, 16, और माइनस नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल ई से डिनोट कर देते हैं। तो जब ई इस साइड ट्रांसफर होगा और ये इस साइड टू इस साइड, तो देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल क्या हो जाएगा, 16, और ये जब टू इस साइड आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल 18 हो जाएंगे एक्स की पावर माइनस टू में, तो ये 18 ऑप्शन थर्ड आ जाएगा आपका आंसर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 आप देखें तो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन कार्बोकेटायन सिलेक्ट द मोस्ट स्टेबल वन, दिए गए कार्बोकेशन में से सबसे अधिक स्थाई वाला चुनिए, तो सबसे अधिक स्थाई कौन सा होगा इसमें वो बताना है। तो इसमें आप देखते हैं कि स्टेबिलिटी मतलब कि इसमें जो होगा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो जिसका सबसे कम होगा, तो इसका आंसर होगा आपका CH3, है ना, फिर ब्रैकेट के बाहर सापेक्ष 3 और C की पावर क्या होगा, प्लस, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ये आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 4th, लेकिन ये क्यों होगा ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो कार्बोकैटायंस का, तो वो क्या होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा होती है 3 ऑर्डर इज़ ग्रेटर दैन 2 ऑर्डर इज़ ग्रेटर दैन 1 ऑर्डर, ठीक है, इस टाइप से रहता है। तो इसमें जो 3 ऑर्डर है मतलब कि C की पावर यहाँ पे क्या था, ये अगर इसे खोला जाए तो ये C की पावर 3 हो जाएगा, तो मतलब कि CH3 जो मीथेन है या मिथाइल उसका 3 पावर आपका बड़ा हो जाएगा, ये 3 है यहाँ पे जो पावर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसकी पावर है तभी यहाँ पे गया है, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है 3 वाला ये बड़ा हो जाएगा, इस टाइप से ये आपको करना था। अब जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो कैसे करना है, तो 5 एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, ABCDE हैव एटोमिक नंबर भी दिए हुए हैं आपको कि 2, 9, 12, 14 and 17 रिस्पेक्टिवली, द पेयर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल इज ब्लैंक, यानी कि 5 तत्वों ABCD एवं E की परमाणु संख्या क्रमशः 2, 9, 12, 14 एवं 17 है, आवर्त सारणी में एक ही समूह के अंतर्गत आने वाले तत्वों की जोड़ी ब्लैंक है, तो ये आपको बताना है। तो आप देखिए इसमें कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे आप लिखें ABCD एंड E, 5 एलिमेंट हैं और उनके जो एटोमिक नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं वो हैं 2, 9, 12, 14 और 17, ठीक है, ये आपने लिख लिए। अब आप अगर इनको देखें कि कौन क्या है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 किसका एटॉमिक नंबर है, तो ये है हीलियम का, ठीक है, फिर F, ये 9 क्या हो गया आपका फ्लोरीन,
फिर ये 12 मैग्नीशियम, 14 सिलिकॉन का हो गया और यहाँ पे 17 क्लोरीन का हो गया, है ना। तो ये जो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस टाइप से जो 17 ग्रुप है उसकी जो एलिमेंट है वो हो जाएंगे फ्लोरीन और क्लोरीन। फिर यहाँ पे और है नहीं, और आप देखेंगे तो ये जो हीलियम है वो अलग है 18 ग्रुप में, और जो मैग्नीशियम है वो सेकंड कॉलम के एलिमेंट हैं, है ना। फिर सिलिकॉन भी ऐसे ही है। तो ये आप ऐसे देखेंगे तो इनमें, इसमें आपको क्या बताना था कि विच बिलोंग टू द सेम ग्रुप, जो सेम ग्रुप से आपको बताना है। तो आपको पता है पीरियडिक टेबल में जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इसमें क्या होता है, ये ग्रुप होते हैं, और जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो वो पीरियड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो जो ग्रुप होंगे इसमें, तो आप देखेंगे कि जो ये 17th नंबर ग्रुप में फ्लोरीन और क्लोरीन दो एलिमेंट है, तो यहाँ पे बी एंड ये कौन सा है, ई, बी और ई, तो ऑप्शन कौन सा है, बी एंड ई, ये है फोर्थ ऑप्शन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन के सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप में है फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है। तो ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट हो जाएंगे, इस टाइप से आपको सेलेक्ट करना था। अब जो 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 6.2 ग्राम ऑफ फॉस्फाइड आयन, एटोमिक मास ऑफ पी इक्वल 31 AMU। तो इलेक्ट्रॉन बताने हैं कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इतने ग्राम ऑफ फॉस्फाइड आयन, फॉस्फाइड आयन के 6.2 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो हमें ये बताना है, तो कैसे हम निकालेंगे, तो फॉस्फाइड आयन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PO सफिक्स में 4, और इसकी जो पावर होती है वो होती है -3, ठीक है। तो अब इसमें हम मॉलिकुलर मास अगर इसका देखें, मॉलिकुलर मास तो वो हो जाएगा 95 ग्राम, ठीक है। और इसका जो गिवन मास दिया है हमें, गिवन मास यहाँ पे क्या है, 6.2 ग्राम, ठीक है। तो इस टाइप से हम निकालेंगे, और यहाँ पे ये आप नोट करते जाना, यहाँ पे देखिए आप अगर लिखें वन मोल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल, हमें पता है कितना होता है यहाँ पे, 6×10^23 होता है, ठीक है। एक सेकेंड,